देखिए भैया, मैं ना काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रहा था, तो कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपको एक अच्छा फ्लो ना मिले और अच्छी वीडियो भी ना मिले। पर हम जानते हैं कि आप ये वीडियो एक बार ज़रूर देखेंगे। अपने लास्ट ईयर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और वो डाल नहीं पा रहा था मैं बड़े दिनों से। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगी ना आपको, वो ये वाली नहीं मिलेंगी जो एट प्रेजेंट 2021 की हैं, वो मिलेंगी आपको 2020 की। ये जो फेस है ये आप लोग काफ़ी दिनों बाद देख रहे होंगे आज, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी वो थी जून 15 2021 में। तो ये भी सोच रहे होंगे ना कि मैं कहाँ गया था यार इतने दिनों से। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि हमारे ना फैमिली में थोड़ा इशू चल रहा था, अब थोड़ा नॉर्मल है, अब ओके है। और आप भी हमारी फैमिली हो तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर करी जाएँ। बट जो 3-3.5 महीने थे ना भाई, पहली बात ना तो हिम्मत आ रही थी आपसे शेयर करने की, और दूसरी बात ना टाइम मिल पा रहा था। तो यार बात कुछ ऐसी है ना कि हमारी इंस्टाग्राम फैमिली को तो पता था कि क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये स्टोरीज़ देखो, ये स्टोरीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो उनको लमसम आइडिया था कि क्या हो रहा है। और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है ना, उनके लिए भी हम स्टोरी नहीं डाल पाते। तो हमारे जो यूट्यूब भैया है ना, वो कहते हैं कि जब तक आपकी 10K की फैमिली नहीं हो जाती ना यूट्यूब पर, मतलब 10,000 लोगों की फैमिली नहीं हो जाती, तब तक हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे कि आप स्टोरी डाल पाओ यूट्यूब के ऊपर। तो तब तक के लिए आपको एक काम करना है, आपको ना मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है और वहाँ पे तो मैं स्टोरी डालता रहूँगा। आई नो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था, बट हाँ अब तो मैं भाई एक्टिव हूँ पूरा। अब आपको रोज़ एक स्टोरी और एक पोस्ट तो मिलेगी। तो यार इन 3 महीनों में ना एम्स ऋषिकेश ही मेरा अड्डा था, और एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी कि जो कोविड की सेकेंड वेव थी ना, उसने हमारी फैमिली को भी बहुत परेशानी में डाल दिया था। तो मई 2021 की स्टार्टिंग में कोविड की वजह से नानी जी की डेथ हो गई, और उसी दिन से ना मेरी मौसी हॉस्पिटलाइज थी। तो एक तरफ बहुत उदासी का माहौल था और दूसरी तरफ हमको ना मौसी के लिए बहुत टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थी ना, वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था ढंग से, ना हम उनको मिल पा रहे थे, ना कंडीशन ढंग से पता लग पा रही थी। तो फिर एंड में लड़ झगड़ के ना हम मौसी को एम्स ऋषिकेश ले आए, और ऋषिकेश एम्स आने के बाद ना 2 दिन में ही उनकी ऑक्सीजन मास्क उतर गया था, शी वॉज प्रीटी नॉर्मल, बट सीन ना सारा यहीं से ख़राब होता है। जब 2 दिन में उनका ऑक्सीजन मास्क उतर गया तो डॉक्टर ने हमको चेक करके बताया कि यार जिस हॉस्पिटल से आप इनको लाए हो ना, मतलब जो कोविड सेंटर बने हुए थे पहले के जहाँ पे ये एडमिट थी, वहाँ पर ना इनकी अच्छे से केयर नहीं करी गई, और उसकी वजह से इनके बैक पे प्रेशर शोर बन गए, मतलब बेड शोर हो गए हैं, और ग्रेड 4 का इनको बेड शोर हो गया। तो जिन्हें नहीं पता कि बेड शोर क्या होता है, साइड में फ़ोटो देखो, इस तरीके का होता है बेड शोर, ये है ग्रेड 4 का बेड शोर। और ये तब बनते हैं इंसान के जब इंसान 5-6 महीने तक बिस्तर पर लेटा हुआ है, बट इनके लगभग 22 डेज में ये बेड शोर हो गया था, वो भी ग्रेड 4 का, तो काफ़ी सीवियर कंडीशन थी। तो चलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, और 2 दिन में ना वो डिस्चार्ज हो गई थी, हम उनको घर ले आए थे और घर पे उनको ट्रीट कर रहे थे, बट नेक्स्ट 3 दिन में उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, उनको अचानक से बुखार हो गया, तो हम उनको वापस हॉस्पिटल लेके गए इमरजेंसी में सुबह। और उस दिन ना मतलब बहुत टफ टाइम था यार उस दिन का, मतलब वो 3 दिन तक अनकॉन्शियस रही, नॉराइड पे थी और समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। और जो हमारी मौसी है ना, वो काफ़ी अनोखी हैं, लाखों में एक हैं जिसे कहते हैं ना, लाखों में एक होना, तो बहुत अनोखी है हमारी मौसी, बहुत प्यारी सी हैं, बहुत ज़िद्दी भी हैं, बात नहीं मानती थी, सुई नहीं लगवाती थी ढंग से, एंड नाउ शी इज़ ओके, मतलब अभी रिकवरी चल रही है, धीरे धीरे रिकवरी फेज पे हैं। कोविड के वजह से वीकनेस तो बहुत है, और उनको पोस्ट कोविड निमोनिया भी हो गया था, बहुत चीज़ें थी। और जब आपका सराउंडिंग का माहौल ख़राब होता है ना, तो आप खुल के कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, बहुत बॉन्डेड हो जाते हो, उन जोन में आ जाते हो, एक अलग जोन में आ जाते हो। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ, तो मैं ढंग से वीडियोज़ वगैरह नहीं बना पा रहा था 3 महीने, तो मेरे मई से सितंबर मेरा कब आ गया मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। इन्हीं चक्कर की वजह से मैं इनएक्टिव था हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और इसी चक्कर में यूट्यूब छूट गया हमारा, यूट्यूब पे हम व्लॉग नहीं डाल पाए। अब फाइनली 3 महीने बाद वापस से यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, और आपको अब रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे। तो चलो आपको अब मौसी से मिलवाते हैं। हाँ भाई मौसी, राम राम, जोर से बोलो राम राम। सही है तबीयत? क्या तबीयत ठीक है? मेरी तो हालत भी ठीक है। अभी बताओ तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। क्या हुआ था?
क्या था, क्या हुआ था? ताली मार दो। मौसी इन्हें छू ना, बस आशीर्वाद दे दो मेरे को। जीता रहे बोल दो बेटे। तो मैंने ना मौसी के लिए मन्नत मांगी थी और अब इन पैसों से ही प्रसाद चढ़ेगा, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में जरूर पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ प्रसाद चढ़ रहा है। और हाँ यार, जो हमारे चैनल है ना वो काइंड ऑफ डेड कैटेगरी की लिस्ट में आने लग गया है। और डेड कैटेगरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, जब आपके चैनल पे बहुत टाइम से वीडियो ना डाली हो और कुछ हलचल नहीं मस्ती उसके ऊपर, व्यूज आना कम हो जाते हैं आपके, आपके सब्सक्राइबर डेड हो जाते हैं, तो वो हो सकता है हमारे चैनल के साथ। तो आप लोगों ने ना भर भर के अब इस वीडियो को शेयर मारनी है। पहले के बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बना रखे हैं ट्रैवल व्लॉग्स आपके लिए, तो उनको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी हो तो यार कोई बात नहीं, लाइक शेयर कमेंट तो कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अब बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है और बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली हैं। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा। और हाँ, आप लोगों को ना 10K की फैमिली जल्दी जल्दी पूरी करवानी है हमारी, तो टारगेट रखते हैं कि 2021 की एंडिंग तक हम लोग कंप्लीट कर लें।